कटे धो रहा है ना। सीधे बाबा की मिली पटली काटन में बाबा एकदम पूरा किए करा है। जैसी तो पानी ले लिए ते पापा तो ना जाए पानी ले लिए ले लो। अब एक जना तो लोग थाली ले लो और एक जना थाली ले लो और तुम तो नाज की थाली ले लो जो पानी ले एक जना पानी ले लो एक जना जर्सी ने पकड़ लियो और तुम नाज के दाने दे के चल लियो और सच पानी की जब का मौका दिखाई दे तो रूम में ले लो किंगे ना नहीं है हां चलो 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 जल्दी जस्सी क्या हो रहा है चौपट शाद ले लो ले ले। सो गाइस ये है 2 दिन का बच्चा जो अपनी मम्मा के पास बैठा है कुछ काम नहीं करने दे रहा है। इसे बाहर निकाल के छबको अपनी छोनी से ड्रेस दिखा दो प्लीज। और इधर हम बरसों बाद बना रहे हैं चूल्हे पे आलू टमाटर की सब्जी। कचौड़ी पूरी बन चुकी है। सो गाइस मैं और मेरा जैसे बैठे हुए हैं दोनों यहाँ पे और हम बना रहे हैं चूल्हे पे जैसे मैंने बताया आलू टमाटर की सब्जी। और इसी के साथ देखो झांक झांक के देख रहा है जैसे
क्यों देख रहा है भाई झांक झांक के? अभी टी जैसी सबको हाई करो, इसे करो, चलो सबको प्यार कर दो, प्यार कर दो सबको, करो ऐसे करो, प्यार करो। सो मैं भी यहाँ पे बैठी हुई चूल्हे पे थोड़ा सा काम कर रही हूँ। वर्षों बाद अच्छा लग रहा है चूल्हे पे काम करके, बस मुझे खाना ज़्यादा अच्छे से बनाना नहीं आता है, फिर भी आज सब्ज़ी बनाई है। और मुझे अपने हाथ का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है चूल्हे का, और चूल्हे पे ना थोड़ा सा रोटी ना जल जाती है मेरे से, थोड़ी सी कैड़ी कैड़ी सी हो जाती है। और हस्बैंड गए हैं मेरे लिए बकरी का दूध पीने के लिए, मैं फर्स्ट टाइम बकरी का दूध पीऊँगी क्योंकि मुझे टाइफाइड हुआ है, बीपी बहुत ज़्यादा लो आया है और आज मैं नहाई भी नहीं हूँ, कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं आज तो मेरे। फर्स्ट टाइम मैं पीने वाली हूँ बकरी का दूध, प्लेट कम ना हो। वैसे मेरी प्लेट कम नहीं हो रही है, प्लेट ठीक है, फिर भी थोड़ा सा डर लगा रहता है तो इसीलिए थोड़ा सा परहेज जरूरी है। जस्सी नहीं, जस्सी वापस आओ, वापस आओ मम्मा के पास। और ये अपनी चादर यहाँ पे भी लेके आया है, इसके बगैर ये कहीं नहीं रह सकता। अब कुछ दिनों बाद हो सकता है हम लोगों को अपना बेड भी उठा के लेके आना पड़े। हाँ, इसने बहुत परेशान भी किया है, अभी बार बार सब्जी लिखनी पड़ रही है। ये देखिए चूल्हे की सब्जी, मुझे नहीं पता कैसी बनेगी चूल्हे की सब्जी, बट फिर भी मैंने बनाई। लगभग हमारी सब्जी बनी हुई है, 5-1 मिनट में अच्छे से सब्जी बन के तैयार हो जाएगी। और मैंने किलो पपीते के पत्ते का भी पानी बना रखा है पीने के लिए, तो थोड़ी देर में मैं वो भी पीऊँगी। आज सब पीपी भी बहुत ज़्यादा लो था, तो फिर ज़्यादा डाउन थी, फिर आज कुछ भी नहीं किया मैंने। और अभी बस सासू माँ ने कचौरी और मीठी पूरियाँ बनती है ना गोवर्धन पूजने के लिए, वो सब बनाया, यानी सब्जी बना दी। सो बर्तन डले हुए हैं उधर किचन में, अभी मतलब बर्तन धोने के लिए नहीं है ना, वॉश बेसिन बना हुआ, तो इसीलिए इधर ही सभी काम अभी इधर ही होते हैं। सो ससुर जी हैं अंदर, इसीलिए हमको थोड़ा पर्दा करना पड़ता है। और आप सबको गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं, और गोवर्धन पूजा का मैंने वीडियो बनाया है, सो आप सब देख लीजिएगा गाँव में किस तरह गोवर्धन बनाया जाता है। वैसे शहरों में तो बनाया नहीं जाता क्योंकि गोबर नहीं होता, गाँव में गोबर होता है इसलिए गोवर्धन बनाया। और जस्सी का फर्स्ट गोवर्धन है, वैसे सेकंड है, और जस्सी फर्स्ट टाइम गोवर्धन बना रहा है। आज गोवर्धन पूजा कराई है जस्सी ने, और पूरा अच्छे से था, और पटाखे छूटने शुरू हो गए हैं बाहर। सो हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कल का देखते हैं, ब्लॉगिंग बनाते हैं और आपकी लाइफ कैसी होती है, कैसे सब कुछ होता है, तो वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। यदि मैं ठीक रही तो पक्का करूँगी। आज भी मैंने सोचा था जात जान इधर से जाओ, और आज भी सोचा था, पर हस्बैंड यहाँ से ही ड्यूटी करी थी ना, तो बहुत जैसे ने परेशान कर रखा था, तो कुछ भी नहीं कर पाई, तो मैं कल ट्राई जरूर करूँगी। तो आपको मैं मिलूंगी इस वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, और चैनल पर नया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट हमारे करते रहें।